मैनपुरी उपचुनाव के रिजल्ट आए करीब 2 सप्ताह हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का माहौल बना हुआ है। इस दौरान सपा पार्टी में शिवपाल सिंह यादव के नए रोल और जिम्मेदारी को लेकर कई तरह की अटकलें लगातार चल रही हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी पार्टी या फिर शिवपाल यादव की ओर से नहीं दी गई है। नमस्कार, मैं विजय यादव और आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैनपुरी उपचुनाव के बाद प्रसपा पार्टी का सपा में विलय होने के बाद अब शिवपाल यादव संगठन और पार्टी के लिए काम में लग गए हैं। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं के बीच जाकर संगठन को मजबूत करने में लग गए। इसी क्रम में शिवपाल यादव सोमवार को सपा नेता राजा भैया के गढ़ कुंडा पहुंचे। इस दौरान अपने जनप्रिय नेता से मुलाकात करने के लिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। हालांकि ये उपचुनाव में जीत के बाद से ही शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा रखी है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत राज्य की तमाम पार्टियां तैयारी में लगी हुई है। इस बीच मंगलवार को शिवपाल सिंह यादव राजा भैया के गढ़ कुंडा पहुंचे, जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। अटकलें हैं कि शिवपाल यादव इन ताबड़तोड़ दौरों से नया संकेत देने में लगे हुए हैं। वे अब सपा में अपनी नई जिम्मेदारी के साथ कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस क्रम में मंगलवार को शिवपाल सिंह यादव प्रयागराज भी जाएंगे। इस दौरान प्रयागराज में सपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वह समाजवादी पार्टी में अपना रुख और रोल स्पष्ट कर सकते हैं। को जानने के लिए बने रहिए इंडियन प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।